नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आगे के 15 दिन आपके कैसे होंगे और क्या रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए, आज मैं आपको इस एपिसोड में बताने जा रही हूँ। आपको यहाँ पे 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर चूज़ करना है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो आप आँखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, उसके बाद धीरे से आंखें खोलिए और जिस भी नंबर पे आपकी सबसे पहले नज़र जाती है या जो नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस नंबर को आप मन में सोच लीजिए। उसके हिसाब से मैं आगे आपको प्रेडिक्शन बताऊंगी। अगर आपने मान लो कि नंबर 2 या 3 चूज़ किया है तो आपको पूरा एपिसोड देखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम लैप्स मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप क्लिक कर दीजिए, डायरेक्टली आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए अगले 15 दिन कैसे होंगे और आपको ऐसी क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाए या आपको सही रास्ता मिलने लग जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेंडुलम के ज़रिए, फिर मैं यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी। ओके, तो जो यहाँ पे मुझे प्रेडिक्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन से यहाँ पे गुजर रहे हैं। इन द सेंस ये पॉसिबिलिटी है कि थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, या आपको कुछ लोग जो है मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी कि आप उनको बोलते कुछ हैं, आप उनके लिए करना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो है वो कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, वो आपको व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। बिना वजह ही झगड़े भी हो सकते हैं आपके घर में, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑफिस में ऐसी पोजिशन हो। ये भी एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पॉसिबिलिटी है कि कोई दो बातें हैं आपके दिमाग में जिसको डिसीजन आप नहीं ले पा रहे, यानी कि आप फैसला नहीं कर पा रहे कि मेरे लिए क्या सही है। आप दोहराए पे आके अटक चुके हैं। पैसे की प्रॉब्लम भी होने के यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं या कहाँ से मैं इसको बंदोबस्त करूं, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शायद आप थोड़े से कर्ज में है या किसी ने आपके पैसे लिए जो आपको चुका नहीं रहा है। मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं पैसे की मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत दिखाई दी है, लड़ाई झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स की पोजीशन दिखाई दी है। जो तीसरी बात मुझे दिखाई दी है कि कोई दो बातें हैं जिसके बीच में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, मतलब आपको खुद को ना अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है कि पता नहीं कोई चीज़ की रोक है या कोई बंदिश है, या आपको खुद को ही अंदर से ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपको लोनलीनेस लग रहा है, आपको अकेलापन लग रहा है, आपको लग रहा है कोई आपको समझ बिल्कुल भी नहीं पा रहा है। आप फिज़िकली भी थक जाते हैं बहुत बार। मुझे यहाँ पे आपके लिए सजेशन यह आया है कि कोशिश करें आप जितना हो सके झूठ बोलने के लिए अवॉइड करें। हो सकता है आप नहीं भी बोलते हो, लेकिन ट्राई करें कि जितना हो सके आप ऑनेस्ट रहिए, जो भी है अपनी बात पे रहिए। ठीक है, थोड़े उसके जो आपको हो सकता है कि आपको डांट पड़े या सामने वाले व्यक्ति को वो बात पसंद नहीं है, लेकिन वो आगे जाके लिए आपके लिए वो बात अच्छी हो सकती है। हाँ, जिसमें अगर किसी की भलाई है, कोई कई बार ऐसा होता है कि झूठ बोलना पड़ता है कि सामने वाले की उसमें भलाई है, वो बात अलग है। लेकिन कभी भी बिना वजह होता ना, कईयों को देखिए आदत होती है कि बात बात पे बस उनके मुंह से झूठ ही निकलता है, वो कुछ सोचते नहीं है, बस ऐसे झूठ निकल आता है। तो बाय चांस अगर ऐसी हैबिट है तो इस हैबिट से थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा सा आप संभल के रहिएगा। ये भी पॉसिबिलिटी कि आप गुस्से में आके किसी को हर्ट कर सकते हैं, मतलब आपके इंटेंशन वैसे नहीं है, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते या सामने वाले को उस तरह का कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपका मूड ख़राब होने की वजह से या जो तो आप दौर से गुजर रहे हैं उसकी वजह से कई बार हो सकता है कि आप जो नहीं भी बोलना चाह रहे वो आप कर रहे हैं, या आपका बिहेवियर पैटर्न वैसा हो रहा है। और इसमें ये भी हो रहा है कि कई लोग आपको ऐसा समझ रहे हैं कि ये वाला जो पर्सन है इसमें तो बड़ा ही एटीट्यूड है। एक्चुअली आप अपने टेंशन में ही हैं,
आप अंदर ही अंदर कुछ सोचते रहते हो और आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंड इस वजह से भी कर रहा है, मे भी आपके पर्सनैलिटी, आपके बिहेव की वजह से। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रेमेडी बताने जा रही हूँ, आप इस रेमेडी को अप्लाई कीजिएगा, इसे धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप एक सिंपल सा बेदाग नींबू ले लीजिए, ठीक है, और वो फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए। नींबू को अपने राइट हैंड में यानी कि सीधे हाथ में पकड़िए और इस तरीके से अपने ऊपर 3 बार घुमाइए, यानी कि राइट हैंड हो तो आपका इस तरफ से हाथ जाएगा लेफ्ट की तरफ से, ठीक है। 3 बार इस तरीके से आपको घुमाना है, घर के बाहर आपको जाना है और इसको पैर से क्रश कर देना है, ठीक है, पैसे क्रश कर देना और ये बोलना कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो अब आज के बाद मेरी ख़त्म हो चुकी है। बाद में आप इसको लेके जाकर डस्टबिन में फेंक देना, बस इतना ही आपको करना है। कोई भी दिन कोई भी समय सिर्फ एक ही बार आपको इस उपाय को करना है, जिससे कि आप देखेंगे कि पूरी नेगेटिविटी आपकी कट हो रही है और आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। एक और रेमेडी यहाँ पे आपको सजेस्ट करने जाऊँगी, ये भी करेंगे तो आपको खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। आप क्या करें, नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए, अगर आपके पास अरोमा ऑयल है तो बहुत ही अच्छा, जो भी अरोमा ऑयल आपको पसंद है उसकी एक आध बूंद डाल दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, गुलाब जल आपने डाला। अब उसके साथ आपको क्या करना, थोड़ा सा चंदन पाउडर आप डाल दीजिए, अगर वो भी आपके पास नहीं है तो कपूर आपके पास होगा तो कपूर को लेके थोड़ा सा कूट के आप डाल दीजिए, तो कपूर का ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो में से कोई भी एक चीज़ आप ये ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये डाल के उस पानी से आपको स्नान करना है। ये आप चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं, आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, आप इसको 3 दिन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 1 दिन भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि बेटर है आप इन 15 दिनों में अल्टरनेट डे करें, मतलब एक दिन छोड़ के अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का प्रेडिक्शन पसंद आया, इसमें से जो भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो से उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ नंबर 2 के लिए, जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया अब मैं उनके लिए बताने जा रही हूँ कि अगले 15 दिन आपके कैसे होंगे और ऐसी क्या रेमेडीज़ या आपको उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए या आपको सही रास्ता दिखाई दे। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो जो मुझे यहाँ पे रीडिंग में आया है वो ये आया है कि जो मैं प्रेडिक्शन के हिसाब से देख पा रही हूँ, ये देख पा रही हूँ कि एट प्रेजेंट ये संभावना है कि कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिलेंगे। आपकी जो बहुत वक्त से कोई मनोकामना है या आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो ये पॉसिबिलिटी कि अब वो इच्छा पूरी हो जाएगी। ये भी चांसेस यहाँ पे है कि कोई 2 बातें हैं जिसके बीच में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको नहीं पता है कि आपके लिए क्या सही है, तो रात को सोने से पहले आपको ये बोलना है कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे वो सपने में आके बताइए, किसी के थ्रू आप मुझे ये हिंट दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन एट प्रेजेंट शायद वो कहीं ना कहीं दब गया है। थोड़ा सा आप इसे निकलने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी को अपने ऊपर ओवरपावर बिल्कुल होने नहीं दीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, उसको आप जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसको जान लेते हैं और अपने आप को बैलेंस रखते हैं तो बहुत आसानी से आप ये रास्ता पार कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ऐसी कोई चीज़ है आपकी गुम हो गई है या कोई व्यक्ति है जो एट प्रेजेंट आपसे बात नहीं कर रहा है? अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में तो यहाँ पे मैं एक रेमेडी आपको सजेस्ट करने जाऊँगी जिस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लॉस्ट आइटम्स, जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज़ है या किसी ने आपको ब्लॉक किया या कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई चीज़ आपकी गुम हो गई है, चोरी नहीं गुम हो गई है,
तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो आप जाके सर्च कर सकते हैं लॉस्ट आइटम इंदुजी के रेमेडीज, इतना आप लिख देंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें से उपाय आप ज़रूर से कर लीजिएगा, इससे बहुत जल्द आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अच्छा, आप अपने घर में चेक कीजिए, थोड़ा बहुत क्लटर मुझे आपके घर में दिखाई दे रहा है, ये पॉसिबिलिटी कि आपके घर में बंद घड़ी भी पड़ी है जो काम नहीं कर रही है, उसको आप या तो रिपेयर करवा लीजिए, या तो अगर आपको लग रहा है कि वो रिपेयर नहीं हो सकती तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, लेकिन उसको अपने घर में बिल्कुल भी मत रखिए। थोड़ा बहुत बीच में कभी कभी आप इमोशनल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको बैलेंस करने की अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, आपके जो डिसीशंस हैं वो गलत होने लग जाएंगे, ठीक है। तो फैसले आपके गलत नहीं हो उसके लिए अपने आप को बैलेंस रखिए, हो सके तो प्राणायाम कीजिए, नहीं तो गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए, ऐसे सिर्फ 10 बार आपको करना है। शांति से आपको बैठ जाना है, सांस पे ध्यान दीजिए, जैसे काउंट ऑफ 4 पे कीजिए, 1 2 3 4 मन में सोचिए, उतने टाइम तक आप सांस खींचिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए, 1 2 3 4, ऐसा आप 10 बार कीजिए, आराम से कीजिए, पूरे दिन में कभी भी इसको कर सकते हैं, इससे आप धीरे धीरे बैलेंस्ड होने लग जाएंगे। ये जो भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ ये 15 दिन के मैं आपको उपाय बता रही हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ आपको और एक उपाय बताने जा रही हूँ, ये भी आप ज़रूर से कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, 5 काली मिर्च लेनी है, जो साबुत वाली काली मिर्च होती है ना वो आप ले लीजिए, कभी भी आप इसको ले सकते हैं, कहीं पे भी आप चले जाएं, घर के बाहर चले जाएं या छत पे चले जाएं, एक आपको अपने राइट साइड पे फेंकनी है सीधे साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, एक पीछे एक आगे, और जो पांचवी उसको उछाल के हवा में फेंक दीजिए बस, और सीधा आप घर पे आ जाइए। जो भी आपकी मनोकामना है आप ये बोलिए कि मैंने यूनिवर्स मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, या जो भी आपकी सिचुएशन है आप ये बोलिए कि मैंने यूनिवर्स आपके ऊपर छोड़ दिया, बस इससे अब आप मेरे को बाहर निकालिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए, बस इतना बोल के बाद में आपको छोड़ देना, धीरे धीरे खुद आप देखेंगे कि रास्ते आपके खुलते चले जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आया, अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं प्रेडिक्शंस बता रही हूँ वो जनरल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जिन्होंने भी नंबर 3 चूज़ किया है तो उनके लिए अब मैं बताने जा रही हूँ कि अगले 15 दिन आपके कैसे होंगे, ऐसे क्या रेमेडीज़ और क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो साथ ही साथ आपको सही रास्ता भी जीवन में मिले। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे एट प्रेजेंट जो सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही कि किसी ना किसी ने शायद आपको धोखा दिया है, ये पॉसिबिलिटी है कि धोखा दिया है, या तो आप किसी को अगर अपने मन की बात बोल रहे हैं तो बी केयरफुल। मैं यहाँ पे आपको अलर्ट करना चाह रही हूँ कि अगर किसी बाहर वाले व्यक्ति को आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, चाहे फिर वो ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, तो बी केयरफुल, शायद आपके साथ धोखा हो सकता है, या वो इधर की बात उधर कर सकते हैं, या आपको किसी तरह से नुकसान हो सकता है। तो अपनी मुट्ठी बंद रखिए, अगर अपने बारे में नहीं तो अपने परिवार की भी, अगर अपनी कोई बात आप किसी बाहर वाले सदस्य या बाहर किसी रिश्तेदार को बोल रहे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि आप अगर अपनी मुट्ठी बंद नहीं रखेंगे तो ये आपको या आपके परिवार को हार्म इससे हो सकता है या उन पे तकलीफ आ सकती है। तो इस बात पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बात, कि आजकल आपको या तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या आपको डिप्रेशन की फीलिंग आती है, या तो आपको डरावने डरावने सपने आते हैं, मतलब किसी प्रकार से मेंटल इम्बैलेंस मुझे होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेशेंस आप पूरी तरह से लूज़ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, मुझ में अब पेशेंस नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके मन में हैं, शायद
शायद आप कुछ जहाँ पे काम करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, ये भी करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना है, आप कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी आइडियाज़ है आपके मन में लेकिन आप उसको एक्शन में अप्लाई नहीं कर पा रहे, या आप उसको अप्लाई करने जाते हैं और ऐन वक्त पर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात दिखाई दी कि अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे पेशेंस रखते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं तो बहुत ही जल्द आप अपने मंजिल को पहुँचेंगे, आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपकी ज़रूर से पूरी होगी। हो सके तो थोड़ा सा आप यहाँ पे गुरु से वचन ले सकते हैं, इन द सेंस कि अगर आप जिनको भी गुरु मानते हैं उनसे आप वचन कोई भी लीजिए या उनकी आप एडवाइस लीजिए। सुबह अगर हो सके तो आधा घंटा ज़रूर से या तो आप भजन सुनिए या तो गुरु की जो स्पिरिचुअल बातें होती है जिनको भी आप मानते हैं, जिनको वीडियोस आप बहुत ज़्यादा देखते हैं उनके पर्टिकुलर वीडियोस आप देखिए, उनके ज्ञान को आप फॉलो कीजिए रोज़ सुबह आधा घंटा, जिससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे बैलेंस रहेंगे लाइफ में। और हाँ, इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अपने कर्मों पर आप ध्यान देना, बिल्कुल भी किसी को अपशब्द नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना और ख़ासतौर पर किसी भी लेबर के जो आपके सेवा कर्मी हैं या जो आपके लिए काम करते हैं उनके पैसे बिल्कुल मत काटना, जो उनकी मेहनत के पैसे हैं उनको ज़रूर से वो पूरे देना, भले आप करते होंगे लेकिन यहाँ पे बहुत लोग प्रेडिक्शंस दे रहे हैं तो बाय चांस इनकेस अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर मैं उपाय के रूप में आपको जो देने जा रही हूँ ये आप उपाय कीजिएगा, इससे आप परिवर्तन अपने जीवन में देख पाएंगे। एक उपाय बताने जा रही हूँ, एक कोरा कागज़ आप लीजिएगा, उस पर एक ब्लू कलर से सर्कल आप बना दीजिएगा पेन से। अब उसके बीच में आपकी जो भी इच्छा है आप वो लिख लीजिए प्रेजेंट टेंस में कि वो चीज़ हो चुकी है। मान लो कि एग्जांपल बताती हूँ कि आप प्रमोशन चाहते, तो मेरी प्रमोशन हो चुकी है, मैं खुश हूँ। ठीक है, आप जॉब पाना चाहते हैं, मुझे जॉब मिल चुकी है, मैं खुश हूँ। आप शादी करना चाहते हैं, मेरी शादी हो चुकी है, मैं खुश हूँ। अपनी भाषा में आप इसको लिखिए सर्कल के अंदर, इस कागज़ को फोल्ड कीजिए, एक गोल स्टील का डब्बा आप ले लीजिए, घर में कोई भी स्टील का डब्बा आपके पास होगा उसके अंदर इस पेपर को फोल्ड करके डाल दीजिए, डब्बे को बंद कीजिए और बाद में आपको क्या करना है गुलाब जल का इस पर छिड़क दीजिए या स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, यहाँ छिड़क दीजिए या स्प्रे कर दीजिए गुलाब जल डब्बे के ऊपर थोड़ा सा, और अब इस डब्बे को आप कोई भी कमरे के या पूरे घर के उत्तर पश्चिम के कोने में यानी कि नॉर्थ वेस्ट का जो कोना होता है वहाँ पे आप इसको रख दीजिए, चाहे तो आप इसको ड्रॉर में भी बंद करके रख सकते हैं। 15 दिन बाद आप इस डब्बे को खोल के उसकी पर्ची को निकाल के आप पानी में विसर्जन कर सकते हैं या पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, या इसको तब तक भी आप रख सकते हैं जब तक आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो। इसी के साथ साथ आपको और एक उपाय बताने जा रही हूँ, इसको भी आप ज़रूर से कीजिएगा। आपको कोई भी एक परफ्यूम या डियो लेना है या रूम स्प्रे लेना है और वहीं नॉर्थ वेस्ट कोने में हवा में इसको स्प्रे कर देना है। ये आपको हर ऑल्टरनेट डे करना है, यानी कि एक दिन छोड़ के आपको ये करना है। आप इस उपाय को रिपीट भी कर सकते हैं, मतलब जितना मर्जी है जितने दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट डे पे पूरे दिन में कभी भी बस नॉर्थ वेस्ट की तरफ चेहरा करके खड़े हो जाए, हवा में इस तरीके से स्प्रे कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का प्रेडिक्शन पसंद आया, थोड़ा भी अगर आपको पसंद आया या रेजोनेट किया तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करके भी बता दीजिएगा और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी इससे मदद हो पाए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारा ग्रुप है। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।